जरूरी था। मेरे रास्ते तो हट जाए सुलेखा। नहीं हटूंगी, तो आपको मुंह को मारने का कोई हक नहीं है। वैसे भी गए तो मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा। तुम ऐसा कुछ जानता नहीं है, मरना या मारना असाडे लिए बड़ी मामूली गल है। पंजी भरी तिड़ी माते ताले समझाया, उन मेरे को ती देवता ने सुनती हिम्मत काई ना। पर बाबा मैं जीना चाहती हूँ। साड़ी मन की जी, जितना जीवना चाहनी है जी। जारिया, होश करो जारिया, जारिया। हेलो यार डॉक्टर साहब, मैं समीर बात कर रहा हूँ। वो जारिया की जख्म से फिर ब्लीडिंग हो रही है। क्या हुआ बहू को? जी जारिया, ओके। क्या हुआ बच्चे? बेटा क्यों बेटे? कुछ नहीं हुआ अम्मी जान, ये ऐसे गिर के बेहोश हो गई। भाई अभी तो भाभी बिल्कुल ठीक थी, आप बाहर से अकेली अंदर क्यों आ गई? मुझे आवाज दे देती। खून तो बहुत निकला। बेटा तुम डॉक्टर को यहाँ क्यों बुला रहे हो? बहू को हॉस्पिटल ले चलो ना, पता नहीं बेचारी को कितनी तकलीफ हो रही होगी। अम्मी जान 5 मिनट में डॉक्टर पहुंच जाएगा। भाई वो शख्स कौन था? वो इनके जानने वाला था, इनके वालिदैन का पुराना दोस्त था। मुझसे तो मिलवाना था। अम्मी आप पहले भाप का ख्याल करें, एक नया मसला खड़ा मत करें। तुम जाओ जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, पहले मैं उसका जख्म तो साफ करूं बेचारी का। मैं आपके लिए जूस लाती हूँ। जारिया बेटा ज्यादा तकलीफ हो रही है? मेरा बच्चा नहीं बेटा, अभी ठीक हो जाएगा सब। बस बस मेरे बेटे, अभी ठीक हो जाएगा सब कुछ, अभी डॉक्टर आ जाएगा। काश मैं कह सकती कि जलाल को मार दे। कलेजा ठंडा थी गया तेरा, ठंड पे गई, मार दिया उसको जो तेरा खून नहीं। ओ, बड़े चंगे घर में राम दिए, सुकून में छे। मैं तो उनको आख्या है कि अपना ख्याल रखे। सजल को कुछ न डसी, मैं जलाल को भी यही आखना है, ऐसा खून नहीं मिली। पर जलाल नहीं तो उनको लभ्या आई। देखो जो आख्या है वो कर, बाकी मेरा मसला है। छोटे साई में थोड़ी देर बाद आता। वे क्या प्यागदा है? पैगाम जलाल कहो और छड़ा कहे थोड़ी देर बाद आसा। वो घबराया पे लगदा है साई, देखो ता दाल भी काला काला दिखिंदा पे।
इमार, इमार, इमार। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ तुझे अम्मा? अम्मा? पता नहीं सांस। अम्मा, तू रुक, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। अम्मा, ये पानी पी अम्मा। अम्मा, मुझे बता तुझे क्या हो रहा है? अम्मा, अम्मा बोल ना। ये कैसी बातें कर रही है अम्मा? मैं तुझे अस्पताल लेके जाऊंगी अम्मा। रुक, मैं सनी को बुला के लाई। मेरे पास बैठ। अम्मा, मैं सनी को बुला के ला। अम्मा, रुक, मैं भी आ रही हूँ अम्मा। सनी, सनी। क्या हो गया? हाला चले अस्पताल चले। हाला, आप मेरे साथ चले अस्पताल चलेंगे। हाला उठे, हाला को उठाओ। हाला उठे, अस्पताल चलेंगे। हाला उठे, मेरी बच्ची उठाओ। उठे, आ जाओ, आ जाओ। अम्मा, कुछ नहीं होगा तुझे। हाला, कुछ नहीं हुआ। हाला, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हाला, आराम से उठे, आ जाओ, आ जाओ। खड्डे को बुला। छड्डा ते बुखार तप तपया है सही। तू बुलाओ उसको, मैं दवाई घिन देवा। होने ता सुता है सही। सारी रात बुखार में जलता रहेगा, दवाई खाएगा तो आराम आएगा। मंच मैं उठेंदा। मैं गिनामदा सही। मैं उठेंदा। तेकू तां बड़ा बुखार लगता पिया है। निका साईं, मैं बहुत थक गया। वो इतना कि बताना ही भूल गया। काम दा ते दसा दे। सही, मैं बहुत कोशिश की थी, आई वो नहीं मिली। क्या दिन उकड़ाई निकल गई है। चल टोर, देखो दवाई मैं देवा। चल टोर।
आजी खाली आराम से बैठ जाओ। आराम से आराम। देखो ईमान, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हाला को आराम करने दो और खुद भी सो जाओ। सुबह मैं इंशाल्लाह आ जाऊंगा और इनके सारे टेस्ट करवा लेंगे, ठीक है? ठीक। ओके। सही चला गया है। कितना अच्छा लगता है। कितना हम दोनों का ख्याल रखता है, जैसे कोई अपना होता है। सुबह डॉक्टर के पास नहीं जाना मैंने। क्यों अम्मा? ऐसे फीस के पैसे लग जाएंगे, कोई फायदा नहीं। अब मैं ठीक हूँ ना? अम्मा टेस्ट करवाएंगे तो पता चलेगा ना कि आखिर बीमारी क्या है। मुझे पता है क्या बीमारी। अम्मा तू चुप करके सो जा, तू डॉक्टर थोड़ी है जो तुझे पता चलेगा क्या बीमारी है। इतने सारे पैसे खर्च करने जरूरी है क्या? हाँ तो अम्मा लेके आऊंगी ना तेरी मालकिन से, जिसका दिन भर काम करती रहती है। कमजोर कर दिया मेरी अम्मा को। तो मेरी जान अब जाकर सो जा, थक गया सारा दिन आराम भी नहीं किया, मैंने भी परेशान कर दिया। मैं नहीं जाऊंगी अम्मा। सोना नहीं है, आराम ही करना। अम्मा मैं तेरे साथ सो जाऊं? सो जा मेरे बच्चे है, तो छोटा सा बच्चा बन गया है। चला जा मेरी जान। अम्मा तेरी ईमान छोटी ही है। हाँ मेरे लिए तो छोटा बच्चा है। अल्लाह तेरी नसीब अच्छी करे। मैं आपके एहसानों का बदला किस तरह उतारूं? ये मैं बताऊंगा। यहाँ से जाने के बाद मुझे बहुत रोना आएगा। और अगर रोने का मौका किसी ने ना दिया तो? किसने? कोई भी हो सकता। मेरे माँ बाप ने मोहब्बत की शादी की थी। अच्छा तुम्हारी तरफ भी ऐसा होता है? मोहब्बत तो हर जगह होती है, शायद जहां इंसान नहीं भी होता वहां पे भी होती है। तुमको मुझे अकलमंद सी लगने लगी हो। अच्छा तुम अपनी कहानी सुनाने लगी थी, सुनाओ। मैं बसाई इलाके के छोटे जमींदार,
मजदूरों के साथ खुद को ही तुम्हें काम करते थे। लेकिन इनके खेतों पर मलिक अलताद की नजर थी। ओ तू कैसा जमींदार है, जमींदार कम और मजारा ज्यादा लग रहा है। ओ ये जमीने बेच दे। ओए तेरे पास तो पहले ही बड़ी जमीन है, और जमीन को क्या करे से? मैं चाहता हूँ तू अमीर हो जाए, ये जमीने बेच दे और अमीर हो जा। मेरे अल्लाह ने मेरे को अमीर हो मरली नहीं, खेती बाड़ी के लिए जमीन दी है। मेरे लिए तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और जो जमीन बेचने का कारोबार करते हैं वो अल्लाह के नाशुकरे होते हैं। तू बेच खरीद तू बन अल्लाह का नाशुकरा। चलो मेरी अम्मा मलिक अलादात की मुंशी की बेटी थी, उनके हुस्न के गांव गांव चर्चे थे। इसी तरह बाबा साईं की शराफत के चर्चे भी अम्मा तक पहुंचे। और एक दिन उन्होंने चोरी छुपे शादी कर ली। मुंशी मलिक अलादात तो ये सुनकर पागल हो गया, क्योंकि वो खुद अम्मा को पसंद करता था। वो औरत हमारे मुंह पे थूक के गई है। मलिक साहब उन्हें तो शादी करा छोड़ी है। तो क्या हुआ, तेरे पास पिस्तौल नहीं है ना? ये ले पकड़ और जा उसको गोली मार दे। उस जानवर या औरत का कोई कम नहीं जो आखा ना मने। सद के लिए आ उसको, और अगर वो नहीं आती तो मुझे बता। मलिक अलादात को मैं खुद देख लूंगा उसे। मुंशी ये ठीक है, तेरी थी है, तेरा हक है, पर ये नहीं भूलना ये मेरी इज्जत है। पर मैं क्या करूं, तुसी तरह थे खुश है वे, पर मलिक अलादात ताकू अपनी दी दा वसे वसीज का नहीं, ताकू मलिक अलादात की खुशी अजीज है। ये दुनिया
थी डोनी दुनिया है वे इतने अमीरी खुदा है वे तो सारियां खुशियां होती हैं वे सारियां खुशियां होती हैं वे ओ मुझे काफर न थी तो इतना राव मैं विखता ओ क्या करें दाए ओ किसी को ना छोड़ सी ओ किसी को ना छोड़ सी किसी को ना छोड़ सी कौन भाईजान दूध ले लिया आपने हाँ ले लिया बस यही पूछना था फिर क्या हुआ फिर जलाल भाई पैदा हो अभी वो 2-3 साल के थे कि मलिक अलताद ने मेरे नाना को धोखा दिया और मेरी मां को उठा के ले गई अच्छे साल मेरी मां उसकी कैद में रही और उसने जबरदस्ती मेरी मां से निकाह की फिर मैं पैदा हुई और फिर मेरा भाई सच्चा मलिक अलदाद हमारा बाप था पर हमारी जिंदगी गुलामों से भी बुरी थी वो हमारी मां को रोज मारता था कई कई दिन हमें खाने को नहीं देता था हम बाबा साहिब को बहुत याद करते हर वक्त हमसे बाबा साहिब की बातें करते थे हमें तो अपना बाबा साहिब लगने लगा था तुम लोग बाबा साहिब तक कैसे पहुंचे मुझे बहुत दर्द हो रहा है तुम दवाई खाओ लेट जाओ जिंदगी में कैसी कैसी कहानियां होती हैं साई मैं तुसा दी इतनी खिदमत की थी है सही ते मैं को उस खिदमत दा ए सिला मिल सी तवल दस छोड़ बाबा साई ने उसको क्यों नहीं मारा ओए क्या थी दा प्यार ओए ओए कौन ओ जलाल ओए खुदा का खौफ कर साडे नाल जुल्म थे ते इसका मतलब ये नहीं है कि असां भी जालिम बन वजो बाबा साईं मैं कोई जुल्म नहीं कीता मैं तो अपनी खिदमत दा हिसाब गिनदा पिया मैं ते को एक गल आखदा जे तो हुण छड्डे को कुछ आख्या उस तो बुरा कोई ना होसी चलावे छड्डे वांज वांज
बाबा सही, आपसे बुरा तो कोई भी नहीं, बदकिस्मती दे नाल मैं थोड़ा ही खोना छोड़ सा कहना। ये ले अम्मा, ले आई हूँ तेरी मालकिन से 3,500 रुपए। मेरी मालकिन कितनी नेक औरत है, अल्लाह इसे हमेशा खुश रखे। तो कितनी भोली है ना अम्मा। क्या क्या मतलब तेरा? कुछ नहीं, चल अस्पताल जाना है, टेस्ट भी तो करवाने हैं। ईमान मेरी बच्ची, मैंने दवाइयाँ खा ली है ना, एक तो दिन में उठ खड़ी होंगी। अम्मा तू भी ना, और एक तो ये सनी का बच्चा पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। सलामुलेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा। माशाल्लाह मेरी खाला इतनी तंदुरुस्त लग रही है। अब तुम्हें पता नहीं है, खाला को ना अस्पताल लेकर जाना है, इसलिए तो आया हूँ। सनी बेटा, डॉक्टरों के चक्करों में क्यों पड़ते हो? डॉक्टर तो सिर्फ पैसे बटोरते हैं, हमारे जमाने में कहाँ टेस्ट होते थे, डॉक्टर सिर्फ नब्ज देखकर बीमारी बता देते थे। खाला वो वक्त और था, अब डॉक्टर नब्ज नहीं मर्ज देखते हैं टेस्ट के जरिए। अच्छा बहस ना करो, मुझे उलझन होती है। क्या ये बात तो मेरी मालकिन कहा करती है। अच्छा क्या तुमने उसके साथ बहस की थी? हाँ तो अम्मा, बहस ना करती तो वो 500 दे के ही टर खा रही थी। आओ खाला अस्पताल चलते हैं। समझो, आखिर वाला नोट आधा कम लगा रही हो। उस्ताद ऊपर आवाज फट जाती है। ओहो, ओ बेबी समझो, ये डिमांड है। चले मैं कोशिश करती हूँ। रिहर्सल कर लो, रेफरेंस दूँ? जी दीजिए। ये सब क्या है? उस्ताद जी मैं देखता हूँ, आपके लिए कुछ ठंडा मंगाऊं? थैंक यू सो मच, आप प्लीज ये जिंगल फाइनल कीजिए। अभी हुआ। कैसा लग रहा है? मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं, बहुत फ्लैट लग रहा है। क्या करें? बॉस से बात करके देखते हैं। प्लीज बॉस नहीं कहना, ओके? हाँ सॉरी। कोई खास फोन है क्या? नहीं। ओके
हेलो हनी, कैसे याद आ गई? फोन हो गया आपका? जी जी। अच्छा मेरी बात सुनो, जैसे ही जिंगल फाइनल होता है ना, तुम टेप लेकर ऑफिस पहुंचो, ठीक है? ओके श्योर। पर आप? मैं चेंज करके ऑफिस आती हूँ, प्लीज। नो प्रॉब्लम। ओके सी यू, बाय। ओके बाय। Where are you, baby? We are getting late. आ गई। क्या देख रहे हो? Looking gorgeous. अच्छा? निशा को नहीं बुलाना? नाम ना लो उस backward का। Backward? पहले तो बड़ा कह रहे थे। I like it. तो तुम चुप कर बातें सुन रही थी? क्या करूँ, सुननी पड़ती हैं। अब चलें, कहीं पार्टी खत्म ना हो जाए। नहीं। जब तक हम नहीं जाएंगे पार्टी शुरू नहीं होगी। हम जहाँ हो पार्टी वहीं होती है। लेट्स गो। कम ऑन। मान बेटी, तुम भी कुछ खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया। अम्मा मैंने खा लिया था, वो जब डॉक्टर तुझे टेस्ट के लिए लेकर गए थे ना, तब खा लिया था। मैं देख रही हूँ, जब से हम अस्पताल से आए हैं तुम चुप चुप हो। अच्छा तो क्या बोलूँ? डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने ये कहा था कि अपनी अम्मा के साथ ज्यादा बातें नहीं करनी और अम्मा को भी नहीं करने देनी, जितना आराम करोगी उतनी जल्दी ठीक हो जाओगी। सच कहा है डॉक्टर ने, चुप रहने से बहुत कुछ ठीक हो जाता है, सब्र बहुत बड़ा हथियार है। मेरी बच्ची, इस दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ ज़रूर कहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बात का जवाब दिया जाए। वो क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में? इग्नोर। नज़रअंदाज भी करना चाहिए। ईमान बेटा। जी अम्मा। चाय ला दो मुझे। लाती हूँ। ਓਏ ਮੁਸਕਰਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਡਿਆ, ਵੱਲ ਤੇ ਕੋ ਦੱਸਾਂ ਵਾ। ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੀ। अम्मा आज मेरे को ना रोकना, मैं आपको ना छोड़ सा, उन्हें मेरे तक गोली चलाई है। अम्मा मेरे रास्ते से हट जा, मैं जलाल तक किसे खत्म कर सा। भाई ऐसे ना हो। वो मेरा भाई नहीं, वो तेरा बेटा है। हाँ बेटा है मेरा, तू भी मेरा बेटा है। उधर छोड़ के आती है तो कीड़ा होता, तू कीड़ा होता गली का। मां पले दिए बड़ा करें दिया अपने बालक को, हक भी मां दा होता है। छोड़ बंदूक। कोई ना छोड़ सा बंदूक, उको क्या हक है? ओ मे को और मेरी बहन को मारे। हो ना समझे, उको गुस्सा है, उको गुस्सा है अपनी मां ते, जो 25 साल मां से बिछड़ के रहा है ना,
विकनी ठीक थी वैसी, तू छोड़ उनको। अम्मा कहीं ना छोड़ सा, अखिया ना कहीं ना छोड़ सा, आज और ऐसे या मैं रसी। आखिर कब तक तुम मर्द आपस में लड़ लड़ के माँ के कलेजे को छरी दरा सो? क्यों सुकून नहीं आता तुम लोगों को? अगर मारना भी है तो पहले माँ को मार, माँ को मार जो अपनी जिंदगी पर खेल के तो आपको जन्म दे दिए, और तुम बड़े होकर ये चाहते हो कि मैं तुम दोनों के जनाजे उठवाऊं, कभी उसको और कभी तुम्हारा। मेरे दोनों लाल हैं, मेरे दोनों बेटे हैं, कलेजा तो इस बदनसीब माँ का ही कटेगा ना। सजल देख तेरी माँ तेरे पैर न पहनी है, मैं कुमार सजल में कुमार दे। सुलेखा जरूर